फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एसर का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है एसर ES1512। मॉडल कहाँ लिखे रहते हैं वो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि मॉडल बॉटम पे लिखा रहता है मोस्टली लैपटॉप का। कुछ लैपटॉप का यहाँ पे भी लिखा रहता है, यहाँ पे भी लिखा रहता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो इसका मॉडल हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे लिखा रहता है, और ये मॉडल है ES1512। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम इसके कीबोर्ड में थी। आप इसका देखोगे पुराना कीबोर्ड है, मैच कर सकते हो, दोनों कीबोर्ड सेम है, तो कुछ की निकली हुई थी और कुछ की काम नहीं कर रही थी, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इसका कीबोर्ड चेंज कर दिया है। यदि हमें कीबोर्ड में प्रॉब्लम आती है तो इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहला होता है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम आने का जो चांस होता है वो होता है आपकी धूल मिट्टी की वजह से। कहीं आप यदि ऐसी जगह लैपटॉप यूज कर रहे हो जहां पे धूल मिट्टी ज्यादा हो, तो आप अपने लैपटॉप की खुलवा के सर्विस करा सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसमें बहुत धूल मिट्टी हो रखी थी, कुछ की ने काम करना बंद कर दिया है। दूसरा होता है इसमें कि आपका ज्यादा यूज, रफ यूज यदि हम करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे करते हैं, ये वाला जो होता है इसमें भी हमारा कीबोर्ड के खराब होने के चांस होते हैं। दूसरा हमारा लूज कनेक्शन वगैरह यदि अंदर से हो जाता है, मदरबोर्ड से कनेक्टर लूज हो जाता है, ये वाला कनेक्टर यदि मदरबोर्ड पे जो लगता है, उसकी वजह से भी हमारे कीबोर्ड की कुछ की चलनी बंद हो जाती है। इन चीजों से बचने के लिए आपको समय पे सर्विस कराती रहनी चाहिए, और लैपटॉप के कवर, जो लैपटॉप आप काम नहीं करते हो और कीबोर्ड को बंद करके एक कवर आता है रबड़ वाला, आप उसे चढ़ा के भी आप इन चीज से बच सकते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।